तो दोस्तों अपने चेन्स पॉकेट को अच्छे तरीके से संभाल लो, वरना आपकी भी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर अपनी हालत ऐसी नहीं कराना चाहते तो अपनी चेन्स पॉकेट का ध्यान रखना चालू कर दो। इस भाई ने ध्यान नहीं रखा तो इसकी चेन्स पॉकेट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पीछे का जो ये होता है, मतलब जो टायर को घुमाता है, ये पूरा देखो आप, इसके दांत एकदम प्लेन हो चुके हैं। अब मैं दिखाता हूँ ये पहले कैसा दिखता था। पहले ये चेन्स पॉकेट कुछ ऐसा दिखता था, ये मेरी बुलेट है, और अब उसका हाल आपने देखा है कितना बेकार हो चुका है। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं मैकेनिक के पास। तो भाई मैं पहुंचा मैकेनिक वाले भाई के पास और ये खड़ी बुलेट इसका पीछे का टायर निकाल दिया और इसका चेन्स पॉकेट भी निकाल दिया। ये देखिए आप, पुराना और ये नया वाला चेन्स पॉकेट है, कितना ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो पता भी लग रहा है कि इसके दांत कैसे दिखते थे पहले। और वो पड़ा इसका यार टायर, ये रहा। और मैं बताता हूँ ये क्यों होता है। ये होता है एकदम झटके से बुलेट चलाने की वजह से होता है, जिससे आपके वो नक्के जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और ऑयलिंग सही ना करने की वजह से भी ये आपको दिक्कत फेस करने को मिलती है। जला हुआ तेल कभी भी अपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट के चैन में मत घेरना, वरना आपको भी यही सब फेस करना पड़ेगा।